क्या कर दिए ओए, जोर लगाओ शाबा लगा लगा झटके की शाबा शाबा शाबाश। वेस भाई के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं जी आज हमें बाइक चलाना सिखाओ, ठीक है? हाँ जी वेस भाई, हसन क्या हाल है? ठीक हूँ। आज का व्लॉग वगैरह तो है नहीं, आओ जरा बाइक ना नहीं चलाओ। तो क्या कह रहे हो आप? बाइक सिखा दो। बाइक चलाना सिखा दो? वो याद है जैसे 125 तुमने गिरा दिया था? ओ 125 की हैर है, 125 की हैर नहीं है ना। ये ना हो कि लग जाए तो फिर मुझे ना कहना सही है, मैं चलाना तो सिखा दे। तो ये ना बाइक तुम पे गिर जाए तो फिर तुम उठ ही नहीं सकोगे, क्यों आरिस? यही बात है, हो रही है। अबे जल्दी बोल, गिर जाए फिर हमें इसकी मालिश करनी पड़ेगी। यार सही कह रहे, तो चलो मैं जाता हूँ बाइक निकालता हूँ। आज तो 70 है, शाम को 125 आएगा, उस पर भी थोड़ा बहुत मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो 70 निकालते हैं फिर तुम्हें जो है आज बाइक कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। या तो ये होगा बाइक चलाना सीख जाओगे, या तो फिर तुम्हें टांगे तुम्हारी रगड़ी जाएंगी भाई, कुछ ना कुछ इन दोनों चीजों में से होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग वीडियो। तो कैसे हो आप सब, हैरियत से? तो आज व्लॉग का तो आपको पता चल ही चुका है कि किस चीज़ पे हम बनाने वाले हैं। हसन को इंशाल्लाह आज हम बाइक चलाना सिखाएंगे। तो यार सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ यहाँ पे कि काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बीच में काफ़ी गैप आ चुका था, काफ़ी ज़्यादा गैप आया है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक मैं जो है ना रेगुलरली या तो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, या फिर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मुझसे हो सके कंटेंट बनाऊँ तो इंशाल्लाह बनाएंगे आगे। तो आज सबसे पहले हसन को बाइक हम चलाना सिखाते हैं। तो हाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि वापस मैं जो है ना इस्लामाबाद आ चुका हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ काम भी था। और इंशाल्लाह हसन को या तो साथ में गाँव ले कर जाएँगे, या इसको इधर आज हम बाइक चलाना सिखाते हैं, या तो इसके आज दांत वगैरह टूटेंगे। कुछ ना कुछ होने वाला है ज़रूर। क्यों वसंत तैयार हो? तो बाइक इसने पहले ही बाइक निकाल दी, ये 70 बाइक है, इस पे ही इसको हम बाइक चलाना सिखाएंगे। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने इसे 125 दिया था ना, तो ये उसकी किक भी नहीं मार सकता था उस वक्त। अभी इसके जो है ना पाँव भी नीचे नहीं लग रहे हैं। तो चलें बाइक स्टार्ट करते हैं, फिर इसे थोड़ा बहुत गाइड करते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे चलाते हैं बाइक। बाइक को मैं पीछे से धक्का लगाऊंगा ताकि ये थोड़ा जो है ना बाइक को बैलेंस कर सके, बैलेंस संभाल सके, बाइक संभाल सके। ये ना हो कि बाइक जब स्टार्ट करें तो गिर ही जाए, स्टार्ट कर दी थोड़ा इसको चलाते हूँ धक्का लगा के ताकि बैलेंस करना बाइक को सीख जाए। तो बाइक को धक्का इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि हसन जो है ना कम से कम बाइक को बैलेंस करना सीख जाए। तो इस तरह से मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ साथ साथ में, अब देखते हैं कि कहाँ तक ये बाइक कंट्रोल कर लेगा। माशाल्लाह जी बच्चा सीख रहे भाई, सीख रहे माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा सीख रहे। अभी मैंने छोड़ा हुआ इसे। जो है ना यार ये तकरीबन कुछ ना कुछ बाइक को बैलेंस करना तो सीख चुका है। अभी मैं इसे बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे किक मारते हैं, क्योंकि जब 125 की ये किक मार रहा था ना उस वक्त तो इससे किक भी नहीं लग रही थी। अब देखते हैं कि पता नहीं किक मार भी सकते हैं या नहीं। अच्छा तुम्हें चीज़ों का तो पता है ना, कौन सी रेस होती है, ब्रेक कौन सी होती है। अच्छा ये क्या है, ये किक है ना? सही है। तो ये क्या है, ब्रेक है? और ठीक है, अगली ब्रेक किधर है? स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करो। चलो ठीक है, चार्ज कर लिए एटलीस्ट, कम से कम ये बाइक इसने चार्ज कर लिए। अभी मैं इसको पीछे बैठूंगा साथ में, साथ साथ इसको मैं बताऊंगा कि कैसे पहला चलाते हैं। सही है, ये कहो कि ये पहला गियर डाले तो बाइक क्यों आगे जाएगी। गियर निकाल, गियर निकाल, छोड़ दे।
अच्छा, तो अभी जो है ना हसन कुछ ना कुछ बाइक चलाना तो सीख चुका है, इंशाल्लाह अभी कुछ चीज़ें और ऐसे बताते हैं। अभी यहाँ पे आ रहे वापस, तो हारिस को भी पीछे बिठा के चला ली अब इसने बाइक, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। आ जाओ हसन, इधर ही आ जाओ। क्या कर दिए ओए, हैं दूर लाख दी लानत आवे तेरे से यार। दो बंदों को बिठा के चला लिए तो बाइक उतरते वक्त तुमसे संभालनी ही नहीं होती यार। उस दिन भी तुमने 125 इसी तरह गिरा दिया था हसन, क्या बात है यार। कुछ थोड़ा बहुत खाया भी है कर यार। हारिस देखो यार, शुक्र है तुम्हें बिठा के नहीं गिरा दिया इसने। जो हसन है ना यार, इसने बाइक तो अभी गिरा दिए। छोड़ो यार हसन, ये आपने अच्छा नहीं किया। अभी शाम को मैंने तुम्हें 125 भी देना था, उसका तुमने क्या करना, वो तुम्हारे ऊपर आ गया तो तुम्हारी पता नहीं क्या हालत होगी। चलो यार, लेकिन बाइक तो चलाना सीख गया है ना। वाह, फिर क्या खिलाओगे मुझे बाइक चलाना तुम्हें सिखा दिए? आइसक्रीम खिलाएगा। वाह भाई, छोड़ो यार। तो अभी आरस को दिया बाइक, वो जरा राउंड लगा के आता है, उसे बाइक चलाना आती है, तो अभी इसे सिखानी थी, हमने वो सिखा चुके हैं। इंशाल्लाह रोज ऐसे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत राउंड मिलेंगे ना, तो ये इंशाल्लाह बाइक सही चलाना सीख जाएगा। थोड़े बहुत पाँव नीचे नहीं लगते, अभी जो इसने बाइक गिराई है ना, इसके पाँव नीचे नहीं लग रहे हैं सही। आगे से सिर्फ अंगूठे लगते हैं ना, वो नीचे लगाते हैं तो बाइक इससे संभाली नहीं जाती। A few moments later. ओए, अभी गाड़ी पे आ गए हो यार, गाड़ी में बैठ गए हो। हाँ, अभी गाड़ी चलाना सिखानी है ना आपने। गाड़ी चलाना सिखाऊं? दिमाग सही है तेरा। हाँ, अभी गाड़ी तो जब सिखाएं तो वो सामने जो दीवार है ये ना, वहाँ पे ठोक के रख दे तू। शाम के वक्त हमारा 125 आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसमें हसन को जो है ना बिठा के हसन को 125 सिखाएंगे। क्यों हसन, तैयार हो ना यार? तैयार हूं। तो हारिस आप भी तैयार हो? 125 चलाया पहले? जी चलाया। चलो जी, हारिस ने तो चलाया हुआ है इंशाल्लाह। अभी तुम्हारा नंबर है, उस दिन तो तुम सही नहीं चला पा रहे थे, आज देखते हैं कि चला पाओगे या नहीं। इंशाल्लाह कुछ देर में 125 आ जाएगा, फिर इसको 125 चलाना सिखाएंगे। अभी कार में तो ये बैठा हुआ है कि कार चलानी है, लेकिन कार चलाना इसको नहीं सिखाएंगे, ये ना हो कि वो भाई पोयो ऑयल हो जाए। पहले में क्या कहते होते हैं, पहले में गुम, तीसरे में दुम, चौथे में गुम। हाँ, तीसरे में दुम, चौथे में पता नहीं गुम, पांचवें पता नहीं पोयो ऑयल। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है, तो इंशाल्लाह ऐसे बाइक आए फिर 125 ऐसे वो सिखाते हैं। तो अभी जो है ना टाइम आ चुका है कि यार हसन को हम 125 पे बिठा के 125 इंशाल्लाह चलाना सिखाएंगे। क्यों हसन, तैयार हो आप? तो चलो यार 125 बाहर निकालते हैं और फिर इसको चलाना सिखाते हैं। ओए 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 ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? ओ भाई हेलो, वो खैर तो है, ये क्या कैसे चला रहे हो? कौन है ये लोग? कि वो मेहर यार, ये कैसे आप बाइक चला रहे हो? ये से क्या कहते हैं, मच्छी कहते हैं यार, तुम तो पानी के बाहर ही मच्छी बन जाते हो यार। चलो बाहर निकालते हैं। चलो यार इसे बाहर निकालो, पीछे लेके जाओ हारिस, पीछे ले जाओ इसे यार। ये सब जो है ना मेरे साथ आ चुके हैं यहाँ पे, साइड पे इन्हें लेके आया हूँ, और ये ट्रैक जो है तकरीबन खाली है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो हसन को मैं बिठाऊँगा पहले, और इससे पहले कहता हूँ कि चेक करें कि इससे जो है ना 125 के किक भी लगती है या नहीं। हसन तुम बैठो ऊपर और स्विच ऑन करके ना किक लगाने की कोशिश करो, सही है? तो यार कलोनी का माहौल चेक करो यार, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और क्या ही नज़ारा है, ज़बरदस्त। किक लगा यार, जोर लगा, जोर लगा, जोर। पिछली दफा तो इससे किक नीचे ही नहीं जा रही थी। क्यों मेर, क्या ख्याल है, स्टार्ट कर लेगा या नहीं? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हैं? नहीं यार, तुम क्या कहते हो, कर लेगा स्टार्ट या नहीं? कर लेगा? नहीं कर लेगा। लगा लगा लगा। झटके क्यों लग रहे हैं, थक गए हो? सांस फूल गए भाई, बच्चे का भाई, जोर लगाना, आई तेरे पांव सही दुखेंगे बच्चे। तो जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैंने हारिस को दिया है कि ये तुम ट्राई करो और स्टार्ट करके दो हसन को, पता नहीं अब इससे स्टार्ट होगा या नहीं, देखते हैं। रुको जरा, सबर करो। शाबाश शाबाश शाबाश। जोर लगा भाई, क्यों? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जोर लगाओ। तो अब जो है ना यार, मैं खुद इन्हें स्टार्ट करके देता हूँ, स्टार्ट करके दूँ, फिर ये जो है ना
फिर इसको मैं आगे बिठाऊंगा और ये चलाएगा भाई। किक जो है ना इससे हसन से लग ही नहीं रही किक अभी। इसे मैं बताता हूँ, देखो स्विच ऑन करके ना सबसे पहली बात तो ये किक पे पाँव दबा के रखो और एक झटके में ज़ोर से इस तरह स्टार्ट होते हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत खाया पिया भी करो ठीक है इसकी लगा सको तुम। अब आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ आगे हो थोड़ा वैसे तो पकड़ अच्छा जी। हसन को जो है ना यार कुछ ना कुछ चलाना सिखा दिया, अकेले भाई किसे नहीं दूंगा क्यों जो है ना ये शायद हो सकता है ग्राद है। तो अब हारिस का नंबर है इंशाल्लाह, हारिस को अभी देते हैं बाइक। और ये अकेले जो है ना ये 70 तो चला लेते हैं लेकिन 125 इससे भी संभाला नहीं जाता, तो इंशाल्लाह इसके पीछे मैं बैठूंगा और साथ साथ मैं इसको गाइड करूँगा और ये बाइक चलाएगा। हसन जो है ना हसन को अकेले बाइक नहीं दूंगा क्योंकि हो सकता है कि यार ये ना हो कि गियर डाले तो पोयो ऑयल बन जाए पहले गियर में, क्योंकि 125 पहले गियर में एकदम उठ जाते हैं और इससे कंट्रोल नहीं होगा भाई। इसके खुद आप वज़न ही देखें इसका कितना वज़न होगा, ये संभालेगा भाई। अभी हारिस को इंशाल्लाह बताते हैं चलाना सिखाते हैं और हसन मेरी वीडियो बनाएगा। ये लो कैमरा पर ना अभी जो है इन्हें मैं घर लेके वापस आ चुका हूँ। वहाँ पे ऊपर गए थे थोड़ा ने घुमाया है, बाइक वगैरह दी है, चलाना सिखाई है, कुछ ना कुछ ये जो है ना सीख चुके हैं। हसन जो है 70 यार जो है काफ़ी हद तक ये सीख चुके हैं। इंशाल्लाह इसे 2-3 राउंड हमने और दिए ना कुछ दिनों में तो इंशाल्लाह ये बाइक चलाना 70 कम्प्लीटली सीख जाएगा। अभी थोड़े बहुत इसके पाँव नहीं लगते नीचे लेकिन इंशाल्लाह थोड़े बहुत आस्ते आस्ते कद भी बड़ा हो जाएगा। क्यों हसन अभी कितनी में हो? 10वीं में है लेकिन फिर भी इसका कद नहीं बड़ा हो रहा। ये देखो हारिस कितनी में? 9th। हारिस 9th में है और ये 10वीं में है भाई। ये देख लो ये 10वीं में और वो दूसरा 9वीं क्लास में पढ़ते, इसका कद देखो और इसका कद देखो यार, कद ही नहीं बड़ा हो रहा इसका, पता नहीं क्या बात है। अच्छा तो इंशाल्लाह यार फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज वीडियो अपलोड करूंगा और ज्यादा गैप इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ना आए वीडियोज में। और दूसरी बात ये एक और बात आपसे पूछनी थी जो है मैं 125 पे चाहता हूँ कि एक एग्जॉस्ट लिया जाए 125 के लिए, और अगर आपको कुछ पता है कि एग्जॉस्ट कौन सा 125 के लिए सही रहेगा तो मुझे लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, चाहे वो SC का है, SC प्रोजेक्ट है या फिर एक्रोपोविक का है। उसके अलावा 2-3 और एग्जॉस्ट हैं सामने, मैं आपको पिक्चर्स उनकी दिखा देता हूँ, ये आप देख लें और जो भी आपके हिसाब से 125 पे सही लगेगा, उसकी आवाज़ सही होगी तो वो मुझे आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एग्जॉस्ट भी अपने 125 के लिए लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त।